जब भगवान स्वयं मायापति है तो ये मृग सोने का दिखाई दे रहा है। भगवान ने सोचा ये कभी पृथ्वी पर चल रहा है तो कभी आकाश मार्ग से उड़ रहा है, तो भगवान समझ गए ये तो छली है, ये असली नहीं है। चढ़ाया धनुष प्रमाण कि माया से आया अपार माया है, अब माया को पाया ना पार माया है। जब बाण मारा तो माया दूर हो गई कि जिसके पास में है माया उसी ने रंग जमाया, माया को पाया कोई पार। पंचवटी पर भगवान वापस आए। भगवान ने देखा, देखा तो समझ गए कि जानकी सीता का हरण हो गया। तो अब भगवान ने जब सोचा, वापस लक्ष्मण के साथ जब आए तो विचार करने लगे कि लगता है मामला कुछ गड़बड़ हो गया है। लक्ष्मण जी ने देखा तो कहा, भैया क्योंकि कहा है, बोले आगे क्या करना पड़ेगा? बोले ऐसा करो महाराज, एक काम करो। तो भगवान जब पहुंचे तो जानकी सीता को ना देख करके पंचवटी में जब देखा तो जानकी सीता को ना पा करके भगवान बहुत दुखी हुए। कहा लक्ष्मण, अब बगैर जानकी के तो मेरा जीवन ही बेकार है, अब हम वापस अयोध्या कैसे जाएंगे? माता कौशल्या सुमित्रा मैया कैकेयी पूछेगी कि बहू कहां है, तो हम क्या बताएंगे? तो कहने लगे, जैसे देखा तो सूली कुटिया कि जिस दिल से सिया का हरण हुआ चिड़ियों ने सहकना छोड़ दिया, चंद्रदेव भी दुखी है, ये रो रहा है, इस चंद्रमा को भी कष्ट है। था चांद कमू उतरा उतरा तारों ने चमकना
कहा भैया लक्ष्मण, जिस समय मुझे 14 वर्षों का वनवास मिला तो सबसे पहले अयोध्या का ताक त्याग मां जानकी सीता ने किया। रामचरित मानस में नारी ही प्रधान है, अगर ये देवियां ना होती तो रामचरित मानस की रचना नहीं होती। इन देवियों की पद से, इन्हीं के कारण से रामचरित मानस की पुराण की रचना की। हम बता दें आपको, सबसे पहले आता है नारद। रामचरित मानस में सबसे पहले आता है नारद मुह। नारद जी को एक बार अभिमान हो गया कि हम भी विवाह करेंगे, हम सबसे सुंदर हैं। तो सब 33 करोड़ देवता बैठे हुए थे और सभा में बैठे, तो वहां पर एक शर्त रखी गई कि ये विश्व मोहिनी कन्या है और इसके ऊपर निर्भय है ये 33 करोड़ देवताओं में जो इसे सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, जिसे ये पसंद करेगी उसी को अपना गले में जयमाला डाल करके अपना पर चढ़ेगी। नारद जी उसड़े देवतन में बैठे। नारद जी सोचने लगे कि हाय सुंदर यनको कोई नहीं, सब देवता बेकार हमारे आगे। और नारद जी बहुत सुंदर थे। तो विश्व मोहिनी कन्या जब चली तो उसने जाकर के जब चलना प्रारंभ किया तो देवताओं के ऊपर जब दृष्टि डाली तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर देवर्षि नारद जी नजर आए। नारद जी गाई चली, बोले बाबा हुई बैठी थे बगल है, बोले बाबा कहो हाय नारद जैसे ब्रह्मचारी को अगर ब्याह हुई गो तो संसार कैसे चलिए। तो भोले बाबा ने तनक दृष्टि घुमा दई तो हते तो सुंदर लेकिन बन गए बंदर। अब जब बंदर बन गए तो उस कन्या ने फिर दोबारा दृष्टि डाली तो दोयम नंबर में सबसे सुंदर कौन थे, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाला और डाल करके जयमाली अपना बर चुन लिया। अब नारद जी को बहुत कष्ट हुआ। नारद जी ने कहा अरे देवताओं हम तुमको श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे श्राप। तो सब देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले ब्राह्मण देवता श्राप न दई देव, हमाऊ काउ को दोष नहीं है, हम कोई अपराधी नहीं है, श्राप महाराज मत देना। तो बोले फिर, बोले ऐसा क्यों किया गया, जब हम सबसे सुंदर हैं तो भगवान विष्णु को क्यों चुना गया, ये तो हमसे बिल्कुल बेकार हमारे आगे है। बोले महाराज सुंदर तो हाते आप, लेकिन जब सुंदर हाते तब हाते सुंदर, इस समय तो आप बंदर हैं। तो बोले बंदर है। तो नारद जी ने देखा जब जल में अपना दर्पण, चेहरा जल में देखा तो वास्तविकों में बंदर बने। तो जब बंदर बने तो नारद जी को बहुत क्रोध आया। जीवन भर जप किया, मैंने जीवन भर जाप किया, तो जीवन भर जप किया, माला फेरा तप किया और बात खल गई। जीवन भर जप किया, माला फेरा तप किया और बात खल गई। आई एक बाला हाथ से निकल गई,
जीवन भर जप किया, पाला फेरा तप किया और बात खल गई। आई एक पाला हाथ से निकल गई, आई एक किया। और कहा महाराज चिंतन किया और फिर भी हमारा विवाह नहीं हो पाया, तो इस विश्व मोहिनी कन्या के द्वारा नारद मुह की कथा पढ़ो। अब आगे चलिएगा, आगे क्या है, आगे लगता है सती चरित्र। तो सती जी के अंदर शंका हो गई तो सती चरित बन गया। इसके आगे चलिए, तब आ गई मैया पार्वती राजा हिमांचल के आस। ठीक, नारी है प्रधान। इसके आगे चलिए और आगे चले, तब उसके बाद में क्या मन लगता है, तब तो आ जाती है कौशल्या सुमित्रा के कई, इनके यहां राम पैदा हुए। फिर इसके आगे चलिए, एक तरफ से हम बता दें यहां पर हर जगह नारी प्रधान है। इसके बाद आप चले आगे तो सबसे पहले मिलेंगी कौन, गौतम ऋषि महात्मा की पत्नी अहिल्या। अहिल्या जी प्रधान है। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल पदरज धकलते ही हुई गौतम नार निहाल। आज नारी गौतम ऋषि महात्मा जी की पत्नी का उद्धार किया भगवान। इसके आगे चलिए, अब आ गई कौन, सीता। सीता ना होती तो स्वयंवर नहीं होता, तो सीता स्वयंवर हो गया। अब सीता के आगे चलो, तो सीता का जब विवाह हो गया तो यहां पर फिर आ गई कौन, केकई। केकई आ गई। केकई ने जाकर के 14 वर्ष भगवान को राजा की जगह वनवास पर दे दिया। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। अब राम चले तो सबसे प्रधान जब निषाद जाट केवट के द्वारा पार किया गया तो दूसरी ये नारी कौन मिली, इसका नाम क्या है, इसका नाम है समीक्षा देवी। तो मुसल पुरुष मौसम नारी ये संयोग विदर्शा बिचारी सूपनखा मिल गई। सूपनखा के नाक कान काट दिए गए तो सूपनखा ने ऐसी रचना रच दी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, अगर हमारी भगनी की नाक कट गई तो हमें उनकी भार्या को हरण करना होगा। नारद जी सीता जी को ले गए। हर जगह नारी प्रधान है, जरा बारीकी से सोचे तब इस मानस की रचना हुई है। ये कोई साधारण नहीं, ये देवियां बैठी है साधारण नहीं है, ये सब आदि शक्तियां हैं, लेकिन लोग कदर नहीं करते, कदर नहीं करते। बगैर शक्ति के संसार में कोई शक्तिमान नहीं बना। भोले बाबा कि जब सती ने साथ छोड़ दिया तो जानते तो क्या कह रहे थे, जप वो जाए शंकर सतनामा और जहां तहां सुनई राम गुण ग्रामा। ये भोले बाबा कह रहे हैं। अब हमें क्या करना है, नारी ने साथ छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे, अब हमें भगवान राम जी का चिंतन करना है। तो चिंतन करना है तो बोले जप हो जाए शंकर सतनामा। विचार किया, यद्यप विचार किया और जब चिंतन करने लगे, भगवान का चिंतन करेंगे अपना जीवन यापन करेंगे। क्यों, यद्यप अकाम तद्यप भगवान दुखित दुखित सुजाना। अच्छा, भगवान के दरबार में आदमी कब जाता है, भगवान जब दुख में होता है।
तब वो खुपड़ी रगड़ा था जाए, हे भोले बाबा, हे दुर्गा मैया, हे जखाई बाबा, हे परम देव बाबा, तब सबका याद कर रहा। भोले बाबा भी कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भय नहीं, भोले बाबा पर है। यद्यप अकाम तद्यप भगवाना, भरत भगत विरह दुख दुखित सुजाना। जब दुख में भगवान शंकर हुए तो उन्होंने भी राम का चिंतन किया, तो जब राम का चिंतन किया तब तक नारायण नारायण कर ऋषि नारद आ गए, इनने राजा हिमांचल के यहां विवाह करा दिया दोबारा, फिर हो गया विवाह, फिर नारी प्रधान हो गई, फिर आगे कथा चली। तो रामचित मानस में बड़ी बारीकी से सोचा जाए तो हर जगह नारी ही प्रधान है। आज विचार करते हुए देखा और भगवान ने कहा, लक्ष्मण कि विचर रही जो मृज के साथ में मजनी जैसी होगी, अम्रग्नी जैसी पीरो मेरी सजनी कैसी हो। अम्रग्नी जैसी पीरो मेरी सजनी दुखरी। भैया लक्ष्मण, बगैर जानकी के मेरा हृदय दुखित हो रहा है। सिया पिया बिन हिया दुखरी, और जिए तड़फत प्रिय सिए हमारी, चल रही जो मृग के साथ में प्रकनी जैसी होगी, प्रकनी जैसी पीरो मेरी सजनी कैसी मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग में।